ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। प्रभारी वीआरसी गरोठ और अपने आप को बुलेट राजा कहने वाले प्रवीण व्यास पर महिला शिक्षक द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि गरोठ में वीआरसी व भानपुरा वीआरसी का अतिरिक्त प्रभारी प्रवीण व्यास एक बार फिर अपने कारनामों को लेकर मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 25 मई 2012 के आदेशानुसार प्रतिनियुक्ति दिनांक 24/4/16 को समाप्त होनी थी। नियमानुसार प्रतिनियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। वहीं नियुक्ति को 2 वर्ष और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद 4 वर्ष की अवधि के पश्चात किसी भी स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर प्रवीण व्यास नहीं रह सकता। लेकिन शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पता नहीं किन मेहरबानियों के चलते प्रवीण व्यास का पद गरोठ वीआरसी में बरकरार है। साथ ही भानपुरा तो व्यास की जेब में है। शासन के आदेशों का कैसे खुला मजाक उड़ाया जाता है, इस ओर इशारा करता है। सामगढ़ की महिला शिक्षक को काफी समय से प्रवीण व्यास की प्रताड़नाएं झेल रही थी। आखिर उस शिक्षिका के सब्र का बांध टूट गया और महिला शिक्षक ने व्यास के कारनामों की शिकायत थाना शामगढ़ गरोठ सहित जिला कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, एसपी मनोज कुमार सिंह, महिला आयोग, एससीएम हेल्पलाइन में दर्ज करवाई। वहीं शिकायत पर कलेक्टर श्रीवास्तव ने जांच के आदेश दिए हैं और थाना वाईटी नगर थाने में धारा 506 व 509 के अंतर्गत कायमी पर मामला थाना गरोठ भेज दिया गया है। टाइम 18 न्यूज के लिए गरोठ से राकेश ग्वाला की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब।